नवरात्र के पावन पर्व पर आप सभी मित्रों को टीवी 20 न्यूज परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अशोक वर्मा। ट्रेन ड्राइविंग से ही सड़क हादसों पर अंकुश लगाया जा सकता है, ये कहना है पवन सोनकर आरआई का। इस मकसद से परिवहन विभाग ने जिले के आईयूटीआई कॉलेज परिसर में बने ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ड्राइविंग टेस्ट लेकर लोग डीएल ले रहे हैं। आधुनिक सुविधाएं से लैस इस इंस्टीट्यूट की शुरुआत स्वयं योगी आदित्यनाथ ने पिछले महीने किया था। अब यहीं से डीएल बनाने का कार्य भी किया जा रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लोगों को शहर से सटे हरबंस रोड पर आरटीआई ऑफिस पहुंचना पड़ता है। शहर के हरा के चुंगी आईटीआई मैदान में परिवहन विभाग का ड्राइविंग लाइसेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना दिया है। इस इंस्टीट्यूट में 3 तरह के व्हीकल ट्रैक पर गाड़ियों को चलाकर पास होने वालों को भी ड्राइविंग लाइसेंस जारी हो रहे हैं। नई व्यवस्थाओं से लोगों को शहर से डीएल के काम को आरटीओ ऑफिस तक दौड़ने लगाने पड़ेगी। आरआई पवन सोनकर का कहना है कि पहले स्थायी रूप से पायलट वर्कशॉप में ट्रेनिंग कराई जा रही थी, लेकिन अब नया भवन व ड्राइविंग टेस्टिंग इंस्टीट्यूट बनाया गया है। अब यहाँ से पास हुए लोगों को डीएल दिया जा रहा है। मेरा नाम रामप्रसाद सिंह, पिताजी का नाम राजकुमार सिंह। सर, मुझे पहली बार ऐसा रियलाइज हो रहा है कि अब आजमगढ़ सुधर जाएगा, क्योंकि दलालों के माध्यम से हम लोग इतने पैसे देते थे कि क्या बताया जाए। लेकिन चीज़ें पंकज सर की वजह से आज चीज़ें सही रास्ते पे आई हैं। हमारा कम पैसे में लाइसेंस बन जा रहा, नहीं तो इसी लाइसेंस का 5,000-6,000 रुपये लिया जाता था। अब हमें जेन्युइन फीस पे ये काम हो जा रहा है। ये केवल कोई नहीं कर सकता, केवल पंकज सर कर सकते हैं। भ्रष्टाचार को योगी जी के पंकज ने नाम है पवन सोनकर सर, जो बुराइयों को ख़त्म करने के लिए काफ़ी प्रयत्न कर रहे हैं, मैं उनकी कितनी प्रशंसा करूं कम है मेरे लिए। आज जो इस तरह का ट्रैक जीवन में मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि यहाँ पे ऐसा करने को मिल रहा है, टेस्ट हो रहा है। जी पहली बार नहीं तो लोगों, इसके पहले भी कई अधिकारी आए गढ़ आए, पता नहीं चलता था कि दलाल पैसे लेते थे कि कौन लेते, लेकिन सर ने कहा कि नहीं, जो उस योग्य का उसी को लाइसेंस मिलेगा, जो उस योग्य नहीं होगा उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा। संतुष्ट हैं आप? हम एकदम संतुष्ट हैं। 100 अगर मुझे मार्क देना हो तो 100 में 100 मार्क दे। हाँ सर, जो आज यहाँ पे टेस्ट चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे और किस तरह का? देखिए, टेस्ट की सारी व्यवस्थाओं के विषय में सबसे पहले तो आपको पब्लिक से पूछ लेनी चाहिए, पब्लिक आपको खुद बताएगी। ठीक है, ये हमें डीटीआई जो हमें हैंड ओवर हुआ है, जब से पहले हम टेस्ट लेते थे पायलट वर्कशॉप भवरनाथ, जो कि हमारी टेम्परेरी व्यवस्था हुआ करती थी। टेम्परेरी व्यवस्थाओं को अब जो है वहाँ से बंद करके हमें जब से डीटीआई हैंड ओवर हुआ है, अब हम लोग डीटीआई में आ गए। यहाँ पे हमारा जो है टेस्टिंग ट्रैक बना है, 4-व्हीलर का आपका इस साइड बना है, 2-व्हीलर का ट्रैक उस साइड बना है। ठीक है, सिर्फ आवेदक ही हमारे गेट के अंदर एंट्री करेंगे, बाहरी व्यक्ति कोई एंट्री, सबकी एंट्री बंद है। 2-व्हीलर का टेस्ट देने के बाद 4-व्हीलर का टेस्ट देने के लिए इधर आते हैं सारे लोग, और वही व्यक्ति को लाइसेंस जारी किया जाता है जो टेस्ट में आता है और टेस्ट पास करके दिखाता है। और यहाँ पे किसी तरह का कोई भी बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश टोटली वर्जित है, सिर्फ कैंडिडेट ही अंदर आएंगे। आरोप लग रहा है कि दलाल घुस नहीं पाएंगे अंदर? नहीं, यहाँ पे जो आरोप प्रत्यारोप आरटीओ ऑफिस के ऊपर या आरटीओ विभाग के ऊपर हमेशा से लगते आ रहे हैं कि बिना दलालों का कोई कार्य नहीं होता, दलाली प्रक्रिया हवी है, हमने तो टोटली ग्रेट पे ही जो है लॉक लगा दिया गया है कि सिर्फ और सिर्फ वही अंदर आएगा जो आवेदक होगा। दलाल हो या बाहरी व्यक्ति हो, एजेंट हो, किसी भी टाइप का कोई भी व्यक्ति हो, सबका पूर्ण रूप से जो है प्रवेश वर्जित है, सिर्फ आवेदक ही अंदर एंट्री करेगा। तो हम लोगों की तरफ से तो कोई जब एंट्री अंदर करेगा ही, तो दलालों की तो बात ही दूर की बात है। और दलाली प्रक्रिया को टोटल भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, हमारे परिवहन मंत्री माननीय दयाशंकर जी का जो है ये आह्वान था कि परिवहन विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाए। उसके लिए जो है हम लोग जो है अपना एक एक कदम आगे की तरफ बढ़ाए जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में यह 100% कोशिश रहेगी कि जितने भी डीएल हम बना के दे रहे हैं वो टोटली फ्रेश और जेन्युइन हो, भ्रष्टाचार मुक्त करने की हम लोग की कोशिश पूरी की पूरी रहेगी।